सो हे गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी में कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ ये आपकी विंडोज 10 और 11 दोनों में वर्क करेंगी, तो मेरे साथ आप बने रहें जिससे कि आप भी पार्टीशन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, फिर मैनेज में जाना है। मैनेज के ओपन हो जाने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, फिर आपको डिस मैनेजमेंट में जाना है। डिस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जो भी डिस पार्टीशन करनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जो नीचे इंटरफेस शो हो रहा है आपको उस पर राइट क्लिक करना है, श्रिंक वॉल्यूम करना है। श्रिंक वॉल्यूम करने के बाद आपको जितनी भी स्पेस अलग करनी है उसे आपको MB में यहाँ पर लिखना है, और अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और वहाँ भी सर्च करिए। जैसे मुझे 100 GB अलग करनी थी, मैंने उसे MB में कन्वर्ट किया। सिंपली आपको लिखना है 100 GB इन MB, ये आपको शो हो जाएगा। इसे आपको कॉपी करना है, और कॉपी हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। गाइस, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने किया है, आपको स्क्रीन पे दबा देना है, थोड़ा बफरिंग होगा। जहाँ एन एलोकेटेड लिखा आ रहा है वो आपकी डिस पार्टीशन हो गई है। अभी आपको उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर एक और बार नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी डिस का नाम सेलेक्ट करना है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एज चूज कर लिया है, वैसे आप कोई सा भी नेम चूज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे सब सेटअप हो गया है, जिसका मतलब कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।